हाय, गुड इवनिंग ऑल। सो मैं कुछ लाइट शेड करने वाला हूँ ऑन द ईवी मार्केट। नाउ लोगों को लगता है कि ईवी की एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, बट इफ यू सी इन रियल टाइम तो उसके अंदर आई वुड सजेस्ट दैट टीयर टू टीयर थ्री सिटीज के अंदर ईवीज का एक्सेप्टेंस ज्यादा है, वेयर विलेजर्स आर यूजिंग ईवीज स्पेशली टू व्हीलर्स अपना माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए और खुद की सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इफ यू यू लुक एट द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, सो स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, नाउ आज की डेट में दिल्ली के अंदर 4,000 चार्जर से ज्यादा है। नाउ व्हेन आई से 4,000 चार्जर्स, सो दे आर चार्जिंग ईच एंड एवरी व्हीकल फ्रॉम टू व्हीलर्स राइट अप टू बसेस, एंड ईच स्टेट इन इंडिया नाउ हैज ऑर्डर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस फॉर द लोकल ट्रांसपोर्टेशन, सो द एक्सेप्टेंस इज देयर। अब लोगों को सबसे ज्यादा डिलेमा इसके अंदर आता है कि एसी चार्जिंग करें या डीसी चार्जिंग करें। नाउ हाँ, हालांकि टेक्निकली इफ यू टॉक अबाउट DC charging obviously impacts the batteries, but these batteries are designed in such a way wherein they can take 2500 से 3000 cycles तक charging ले सकते हैं। And when I talk about cycles की बात करता हूँ, तो it either be DC or AC charging. So if I talk about AC charging, obviously it is slow charging क्योंकि वो time लेती है, AC को DC में पहले convert करना पड़ता है, then the charging happens. नाउ इफ आई टॉक अबाउट DC चार्जिंग, वो फास्टर होती है, उसकी अडाप्ट उसकी टाइम और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज उसके अंदर वी आर चार्जिंग द व्हीकल और द बैटरीज एट अ स्पीड ऑफ 10 टाइम्स दैट ऑफ AC। थैंक यू। सो अगर EVs और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपके पास कोई सवाल है, जो जानकारी आप चाहते हैं मुझसे, सो यू कैन प्लीज पुट दैट इन द कमेंट्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।